नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे रीजंस जो कि आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए ये मैक मिनी M2 का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो वेस वेरिएंट है उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो बनाया था 5 रीजन नॉट टू बाय मैक मिनी M2, उस पर बहुत से लाइक्स भी मिले और कुछ डिसलाइक भी मिले और बहुत लोग पसंद किए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग इसी तरह पसंद करेंगे। और दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर होने वाला है और ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत ही कम समय में आपको पांच ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको जो आपके मन में जो भ्रम है और वो जो चिंताएं हैं कि इसको क्या खरीदना चाहिए या नहीं, वो सारी दूर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो दोस्तों, अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, जिस पर मैक मिनी आपको डेफिनेटली ये लेना चाहिए, तो इसकी बिल्ड एंड डिजाइन, जैसा कि देख रहे हैं कि इसका जो बिल्ड एंड डिजाइन है बहुत ही सुंदर है और ये बहुत कॉम्पैक्ट है। देख रहे हैं कि कितना छोटा है, आप इसे एक बैग में भरकर भी आप कहीं भी पोर्टेबल बना सकते हैं। और अगर आपके पास आईपैड है, जैसा कि ये है, इसके साथ मैं यूज करके इसको पोर्टेबल बनाता हूँ। इसका डिस्प्ले, इसको एज ए मॉनिटर भी यूज करता हूँ। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन में वो वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर के अगर आप नहीं देखे हैं तो चेकआउट कीजिए कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके लुक्स की बात करें तो लुक्स भी एप्पल का लोगो के साथ आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये दिखता है। इसकी जो डिजाइन है, ये जो ब्रिक स्टाइल है, ये बहुत पसंद है। और अगर इसके पोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो पोर्ट्स भी बहुत काफी दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां से आपको मेन ये प्लग इन है, उसके बाद इथरनेट का है, और यहां से देख सकते हैं दो थंडरबोल्ट टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, HDMI है, उसके बाद दो आपका USB पोर्ट दिया गया है 3.0 का है, और एक आपको 3.5mm जैक भी दिया गया है। तो पोर्ट्स के मामले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये फैन दिया गया है, और ये जो फैन चलता है तो आपको आवाज भी नहीं आएगी, एकदम शांत है, चुप है। पीछे एक स्पीकर भी दिया गया है, हालांकि इसके स्पीकर की आवाज कोई खास नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आवाज सुनाने वाला हूं कि कितना है, लेकिन हां, इतना आवाज जरूर है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे वीडियोज आप देख रहे हैं, अगर आपको आलस लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट नहीं करें, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना तो है ही। लेकिन हाँ, अगर आपका कमरा शांत है तो आवाज आ रही है, कूलर वगैरह चालू है, तो आवाज आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं सुनाई देने वाली है। तो ये थे पहले कारक जिसकी वजह से आपको दोस्तों इसके तरफ जाना चाहिए और सोचना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए। अगर दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो चिप लगा हुआ है M2 सिलिकॉन चिप जो एप्पल का है, इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों एकदम टॉप नॉच लेवल का है। और दोस्तों, मैं इसे 2 महीने से ऊपर हो गया यूज करते हुए, चूंकि इसमें M2 चिप लगी हुई है, इसकी परफॉर्मेंस ऑसम लेवल की है। तो इसको मैं लगभग 48 से 72 घंटे तक लगातार चालू करके रखता हूँ, कुछ ना कुछ काम होते रहता है, उस दौरान वीडियोस देखना, वेब सीरीज देखना, थोड़ा बहुत बच्चे घर में गेम्स भी खेल लेते हैं, वीडियो अपलोडिंग, यूट्यूब देखना, बहुत सारे तमाम जितने भी काम होते हैं इस पर चलते रहते हैं लगातार। लेकिन दोस्तों, ये कभी एक बार हैंग भी नहीं हुआ और हीटिंग इशू भी नहीं है, बिल्कुल कूल, एकदम मक्खन की तरह चलते रहता है। इससे जितना काम लीजिए, कभी ये थकता भी नहीं है। तो ये देख करके एकदम से लगता है कि क्या बना दिया है एप्पल इसको। और इसमें जो चिप लगी हुई है, सच में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही गजब लेवल की है। और मैं पहली बार मैक मिनी यूज कर रहा हूँ, पहली बार में ही दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल मुझे चकित कर दिया है, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इसको परचेज किया हूं। अगर इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो इसमें जो M2 चिप लगी हुई है और इसकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए आप इसके तरफ जा सकते हैं। अगर इसके तीसरे पॉइंट्स की बात करें, तो दोस्तों इसमें आप 4K मॉनिटर आप लगा सकते हैं, 6K मॉनिटर भी लगा सकते हैं, एक साथ दो मॉनिटर लगा सकते हैं, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन दिया गया है, सपोर्टेबल है, बिल्कुल इजी वे में आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, तो ये सुविधा दी गई है। 6K तक ये सपोर्ट करने वाला है ये मैक मिनी M2। ये जो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं, तो ये 8GB और 256GB वेरियंट है मेरे पास, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। ये बेस वेरियंट है M2 का, और ये लगभग मुझे 54,000-55,000 में मैं इसको खरीदा हूँ, डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद। मैं इसको 4K 6K सब यूज करके देख लिया हूँ, और बहुत बड़ा बड़ा मॉनिटर भी यूज किया हूँ, जरा सा भी लैग, जरा सा भी ये हैंग वगैरह नहीं हुआ। पास OnePlus का मॉनिटर है 24 इंच का, उसका भी मैं रिव्यू दे दिया हूँ, आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप कोई मॉनिटर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑसम लेवल का आपको बिल्कुल सिनेमैटिक मॉनिटर आपको मिलेगा, इसमें बहुत सारी खासियत है, उसकी भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। चौथे बिंदु की बात करें तो वो है इसकी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जिसके लिए लोग मोस्टली एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के मामले में मैं इस फाइनल कट प्रो और आई मूवीज में इसको मैं चलाता हूं, और दोनों बिल्कुल मक्खन चलता है, क्योंकि इसमें M2 का चिप लगा हुआ है। और इसकी वीडियो एडिटिंग जब कीजिएगा तो बिल्कुल एकदम से
लैग वगैरह जो जिटर्स दिखता है जब रेंडरिंग होता है वो नहीं दिखेगा, और चुटकियों में ऐसे आपको रेंडरिंग करके दिखा देगा। तो ये मेरे पास एचपी का पहले लैपटॉप था, उसमें जब मैं वीडियो एडिट करता था तो घंटों लग जाता था और इसमें मिनटों में काम हो जाता। मैक में और विंडोज में यही आपको बेसिकली अंतर देखने को मिलेगा। तो वीडियो एडिटिंग में बिल्कुल फास्ट है, इसको आप जैसे इस्तेमाल करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूबर हैं और आप 4K तक वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो मक्खन की तरह चलेगा। मैं आईफोन से ही 4K रिकॉर्ड करता हूं, तो आपको तो पता ही है कि आईफोन की क्वालिटी कैसी होती है। 13 या 10R दोनों में से किसी से भी रिकॉर्ड करके इसमें 4K एडिट करता हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, कभी कोई इश्यू नहीं हुई है। तो अंतिम बिंदु पर बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। लास्ट बिंदु की तरफ चलते हैं कि क्यों आपको इस मैक की तरफ चलना चाहिए। तो इसके एप्पल का इकोसिस्टम इतना अद्भुत है दोस्तों कि इससे अगर वीडियो रिकॉर्ड करूं या इस पर एडिट करूं, फ्लॉलेसली आदान प्रदान हो जाता है मिनटों में। सारे वीडियोस कितना भी क्यों ना आपके जीबी का हो, बिल्कुल इधर से उधर चला जाता है। तो इसका जो इकोसिस्टम है बिल्कुल जबरदस्त है। कभी इस टाइप से, कभी इस फोन में, कभी इसमें, आप बिल्कुल आराम से एयर ड्रॉप के जरिए शेयर कर सकते हैं बिना कोई इंटरनेट के भी। तो ये जो चीज है इकोसिस्टम बिल्कुल अद्भुत बना देता है इसको। अगर आपके पास आईफोन है तो बिल्कुल इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि आपका बहुत सारा काम जो है आसान होने वाला है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है, अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो आपको आईफोन आप खरीद ही लीजिएगा, क्योंकि इतना मजेदार है इसका एक्सपीरियंस, आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो दोस्तों अगर निष्कर्ष की बात करें तो एक 50 से 60 हजार के रेंज में अगर आप एक बेस्ट कंप्यूटर चाहते हैं जो कि लंबे समय तक काम करे, तो आप इसके तरफ से निसंकोच जा सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये दोस्तों आ रहा है कुछ दिनों से कि मैकबुक एयर लूं, M1 वाला या M2 वाला ये लूं। तो दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं कि अगर एक पोर्टेबल डिवाइस आप चाहते हैं लैपटॉप की तरफ ही जाइए, लेकिन आप एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला लंबे समय तक जो पोर्टेबल हो और डेस्कटॉप भी हो का अगर आप मजा लेना चाहते हैं, अगर आपके पास आईपैड है या कोई ऐसा स्क्रीन है जो पोर्टेबल है, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। और घर पर के लिए तो ये बहुत लंबे समय तक आपको बहुत बढ़िया काम देने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो खत्म करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए इस मैक मिनी M2 की जय हो।